Hello everyone, in this video we are going to start class 8 math exercise 12.2 with question 1. In this question we have express the following numbers in standard form. तो यहाँ पर हमें कुछ numbers की बिना इनको हमें standard form में convert करना है. अब इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. तो यहाँ पर कोई भी नंबर है, मान लीजिए वो इस फॉर्म में है 0.024, इस टाइप का यहाँ पर नंबर है. और नेक्स्ट यहाँ पर इस टाइप से मान लीजिए कि यहाँ पर 2400, इस टाइप से कोई नंबर है. अब इन दोनों को मैं आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ. अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है इसमें, अब इसमें इस पॉइंट को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, टू के पास लेके आना है. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट के लिए लेफ्ट से राइट पर लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट से राइट पर. तो यहाँ पर कितने स्टेप्स मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टू पर लाने के लिए मुझे कितनी स्टेप्स आगे बढ़ना होगा. तो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर 2 स्टेप्स मुझे आगे बढ़ना है. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2.4 यहाँ पर कर दूंगा एंड अपॉन में यहाँ पर 10 का एक्सपोनेंट यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा. इस टाइप से मैं यहाँ पर 2 स्टेप्स आगे बढ़ रहा हूँ इस टाइप से. तो मैं यहाँ पर 10 का जो एक्सपोनेंट होगा उससे मैं डिवाइड कर दूंगा जितनी स्टेप्स मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेफ्ट से राइट पर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -2 हो जाएगा. अब यहाँ पर जो 10 का एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 था, इसको मैं ऊपर ले गया. जब इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. ये रूल होता है एक्सपोनेंट में, कोई भी एक्सपोनेंट यहाँ पर इस टाइप से है, ए रेस्ट टू द पावर एम इक्वल टू यहाँ पर होता है 1/e^(-m). इसका हम इनवर्स कर देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है. मान लीजिए कि ये नेगेटिव है, ए रेस्ट टू द पावर -m, ये नेगेटिव हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम अपॉन में लिखाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. अगर पॉजिटिव है तो इनवर्स करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो इनवर्स करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, इसको हम ऊपर ले गए मीन्स इसका हमने इनवर्स कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया. अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है. अब इस पॉइंट को मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है. कोई पॉइंट नहीं होता है वो लास्ट में उसका पॉइंट कहा जाता है. अब इस पॉइंट को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट में जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट में जा रहा हूँ. तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कितने स्टेप्स के आगे बढ़ रहा है मुझे यहाँ पर, तो 1 2 3 यहाँ शिफ्ट करना है, 4 के बाद पॉइंट मुझे यहाँ पर. तो यहाँ पर मुझे 3 स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ रहा है. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो यहाँ पर 2.4 मल्टीप्लाई 10 कितनी स्टेप्स, 1 2 3, 3 से 10^3 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा. लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे एंड राइट से लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. बट यही पॉइंट है आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते समय. बस अगर आपको ये पॉइंट ध्यान आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते समय यहाँ पर. तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, ये नंबर हमें गिवन है, अब इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट यहाँ पर है, लेफ्ट साइड को पॉइंट है तो मुझे इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है, राइट साइड में लेके जाना है पॉइंट को, इस साइड को लेके जाना है. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर मुझे 12 स्टेप आगे बढ़ना है. तो यहाँ पर क्या होगा, 8.5 अपॉन में यहाँ पर 10^12 हो जाएगा. अब इस पावर को मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगी. तो 8.5 मल्टीप्लाई 10^-12, इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. अब यहाँ भी हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 9 के बाद मुझे पॉइंट शिफ्ट करना है. तो यहाँ पर 9.42, 12 स्टेप हम आगे बढ़े तो यहाँ पर 10^12 हो जाएगी. एंड अगेन यहाँ पर 9.42, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 10 से इसमें स्टेप से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10^-12, पावर ये नेगेटिव हो जाएगी. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में जा रहे हैं. अब यहाँ पर देखिए कहीं पॉइंट हमें नहीं दिख रहा है, इट मीन्स पॉइंट यहाँ पर है. अब राइट से लेफ्ट में जाना है, मुझे पॉइंट यहाँ शिफ्ट करना है. तो यहाँ शिफ्ट करने के लिए मुझे कितनी स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 स्टेप्स मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है. तो यहाँ पर 6.02, तो यहाँ पर 10^15, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ये वाला, यहाँ पर नेक्स्ट है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फोर वाला है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर इस पॉइंट को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है 8 के पास, तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट पर जाना है मुझे, यहाँ शिफ्ट करना है। तो कितनी स्टेप्स मुझे आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेप्स मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 8.37 क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 10 से 10^9 डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर, तो इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा 8.37। इस एक्सपोनेंट को मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर 10^-9 ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इस टाइप से। अब यहाँ पर फिफ्थ वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिफ्थ वाले में आप देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, तो यहाँ शिफ्ट करने के लिए मुझे कितनी स्टेप्स आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप्स मुझे आगे बढ़ना है। अगेन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप्स, तो यहाँ पर 3.186 मल्टीप्लाई हो जाएगी 10^10, इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम 10 की जितने पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं उतनी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं, अगर हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है बस। इस टाइप से इन ऑल पार्ट का आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन 1 के। आई होप आपको सारे पार्ट इजीली क्लियर हो गए होंगे।